बिल्कुल ये जो कोर्स है तुम्हारा दैट इज न्यूरो मस्कुलर फिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का क्या रोल है, यस तो ये हमें समझ लिया। तो जो पहला क्लास है दैट इज टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कितने तरह के मसल्स होते हैं और वो कैसे क्लासिफाइड है, किस फॉर्म में क्लासिफाइड है। ये तुम्हारा कोर्स नंबर VP-608 है और क्रेडिट आवर 2+1, ठीक, तो दो थ्योरी और एक प्रैक्टिकल कोर्स है। तो प्रैक्टिकल जो क्लासेस हैं वो शेड्यूल टाइम पे चलेंगे, ठीक है। तो यस सर जो टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू की जब हम बात करें तो बेसिकली इन द एनिमल्स 3 टाइप्स ऑफ मसल्स परसिस्ट, ठीक है। एक तो स्मूथ मसल हो यस गया, सर एक कार्डियक मसल हो गई और स्केलेटल मसल हो गई। तो इस मसल्स को समझने से पहले तो समझनी पड़ेगी कि ये आखिर मसल्स है क्या, ठीक है। मसल्स जो है यस दैट इज अ सर बायोलॉजिकल मोटर, ये बायोलॉजिकल मोटर है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एंड इट आल्सो ट्रांसलेट्स द सिग्नल्स फ्रॉम द CNS इनटू मूवमेंट्स, मतलब जो एक्शन होता है, ठीक है, किसी भी मसल फाइबर में जब यस सर एक्शन होता है तो उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोई ना कोई ट्रांसमिशन विच कम्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो यस सर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक्टिवेट करता है किसी भी मसल फाइबर को एक्शन में आने के लिए। तो दीज आर द बायोलॉजिकल मोटर्स, ठीक है। यस सर ये क्या करता है कि वहां कुछ आयंस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, यस सर जैसे कि एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, यू कैन से मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहो या रिलैक्स कहो, दैट इज ड्यू टू यस सर द एसिटाइल कोलिन। अब ये एक्ट करेगा कैल्शियम पे और कुछ आयंस होते हैं वहां, ठीक है। तो उसको क्या यस सर करता है, दिस विल चेंज दिस केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कहने का मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आइदर फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट, ठीक है। तो यस ये सर क्या करता है किसी एक्शन में आने के लिए, मतलब अगर बॉडी को कोई मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो दिस विल कन्वर्ट दिस केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी सो दैट द मसल कैन परफॉर्म देयर ड्यूटी और देयर वर्क, ठीक। तो दीज आर और यस ट्रांसलेट थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब पहली मसल्स की बात करते हैं दैट इज अ स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज इट इज इनवॉल्यूंटरी और स्ट्रेटेड, नेचर स्ट्रेटर ये इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है। मतलब यस सर जब एनिमल की इच्छा के अधीन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मूवमेंट नहीं है करेगी। और दूसरी इसमें स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, स्ट्रेशंस मतलब यस जो मतलब एक स्ट्रेशन स्पेसिफिक टाइप की, उसमें जो आगे तुम लोग पढ़ोगे अभी, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड का एक कम्बिनेशन होता है यस सर इस टाइप के मसल में, ये बड़ा क्लियर होती है, ठीक है। तो स्ट्रेशंस आर वेरी विजिबल, तो दीज मसल सेल्स हैव नो विजिबल स्ट्रेशंस विथ अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, एंड फाउंड इन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दैट आर ऑटोमेटिक इन देयर फंक्शन। सो स्मूथ मसल्स दैट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव एंड न्यूरोजेनिटल सिस्टम्स एज वेल एज ऑफ मोस्ट ब्लड वेसल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको ऐसे समझ लो कि जितने भी एनिमल के बॉडी में विसरल ऑर्गन्स हैं या उसके सराउंडिंग जो पार्ट हैं दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल तो उसमें मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, यूरोजेनाइटल हो गई, रेस्पिरेटरी हो गई, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या फिर जो भी वेन्स और आर्टरीज हैं, दीज आर पार्ट ऑफ स्मूथ मसल। तो कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल्स हैव एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब द कॉन्ट्रेक्शन डज नॉट जनरली रिक्वायर स्टिमुलेशन बाय एनी, मतलब जनरली स्टिमुलेशन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मूवमेंट करते रहते ऑटोमेटिक मूवमेंट करता है, लेकिन फिर भी ये मतलब जो रेगुलेशन होती है इसकी दैट इज होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सर
यस सर, और मतलब क्या बोलो, इसकी नर्व से डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर भी रेगुलेट करती है। दैट इज दैट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ड्रग्स। कहने का मतलब है वैसे एसिटिलिन कोलिन स्टेरेज होती है, ठीक है, एक तरह की ड्रग है, अगर उसको दे दिया जाए तो क्या होगा, वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो मैसेज जाती है ना कि जैसे मान लो कि ज्यादा खाना खा लिया है तो क्या होता है, सोल्यूशन डिस्टेंशन ऑफ स्टमक, यस सर, ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया, तो वो जो पेट फूलता है, फैलता है, ठीक है, ज्यादा खाने से, यस सर, वो दैट इज आल्सो ड्यू टू द कनेक्शन वॉलंटरी एक्शन, कैन से द मैसेज कन्वेड टू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है वो। लेकिन क्या होता है इस केस में, जब कोलिन स्ट्रेस करके एक जो एंजाइम आती है, अगर ये एनिमल को प्रोवाइड कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो थोड़े देर के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ही ब्लॉक कर देता है, ठीक, तो जो सर्टेन एक्शन होनी चाहिए वो नहीं है, तो ये स्मूथ मसल की एक क्वालिटी, इनफैक्ट ये स्केलेटल मसल में भी आती है, ठीक है, लेकिन स्मूथ मसल में भी। अब जैसा देख सकते हो बेसिकली जस्ट एक पिक्चर डाला है ये देखे दिखाने के, कार्डियक मसल टिश्यू, ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू। ये कार्डियक मसल टिश्यू में क्या है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है ना, और कार्डियक मसल वॉलंटरी कंट्रोल, तो हार्ट स्मूथ में जो भी मसल है दैट इज द कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल दैट इज अ वॉलंटरी इन एक्शन, मतलब ये खुद से इच्छा के धार, ठीक है, खुद से ये एक्शन में आती है। अच्छा, इसमें एक देख सकते हो मसल्स की जो मसल्स फाइबर सेल्स जो है, इसमें देख सकते हो बीच में गैप है ना, कार्डियक मसल, यस सर, यस सर, गैप है, दो मसल्स फाइबर्स के बीच में गैप है, दैट इज नोन एज गैप जंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कार्डियक मसल की जो आगे बढ़े। स्केलेटल मसल में देख सकते हो कोई गैप नहीं है और बिल्कुल एक दूसरे से एडजॉइंट है, ठीक है, तो yes, sir. एक फीचर है स्केलेटल मसल का, और स्मूथ मसल इज आल्सो इन्वॉल्वरी, बट देख सकते हो इसमें भी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं गैप जंक्शन है, ठीक है, और ये गैप जंक्शन क्यों दिया जाता है, जस्ट टू रेगुलेट ऑर्गन, कहने का सेंस है जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो कहाँ कैसे मेंटेन होता है ना, कभी कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ अच्छा खाना मिला तो उन्होंने जो 2 रोटी की जगह 4 चपाती खा लिया, क्या होगा, थोड़ा सा पेट एक्सटेंड कर देता है, तो दिस इज ऑल्सो characteristic of smooth muscle. Mein, smooth muscle have a specific characteristics of plasticity. Plasticity naam suna hoga, plastic ki tarah, matlab jab chahe wo elongate ho sakta hai ya fir wapas apne size mein aa sakta hai. To animal bilkul exercise karna chhod de, kuch bhi zyada movement na ho, koi work zyada na ho, aur baith ke khata hai to kya hoga, it will become fat. Fatty ho jayega. लेकिन जब वही एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, वर्कआउट करना शुरू होता है, खाने पे थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो अपने वापस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल। अब जब स्मूथ मसल की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है दैट इज मेड अप ऑफ नैरो इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, टैपरिंग टुवर्ड्स देयर एंड्स, मतलब स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल देख रहे हो, ध्यान में है, यस सर, बिल्कुल दोनों नैरो होती है और बीच में थोड़ा सा उभार होता है जिसमें सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होती है, सो ईच सेल हैज अ सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये परफॉर्म करते हैं जो इनकी लेंथ होती है बिल्कुल एक जैसे, और एक जहां एक दूसरी एंड खत्म हुई फिर दूसरी की शुरू होती है, ठीक है, एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, एक सेल्स की जैसे वो एक एंड खत्म हुई दूसरी सेल की वहां से शुरू है, सो ऑल्दो द सेल्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर इन दैट देयर इज नो प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बिटवीन देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द membrane of the adjacent cells are fused together into a known as tight junction. Yes, sir. So,
कहीं ना कहीं ये फ्यूज है, एडजेसेंट सेल्स से फ्यूज है, लेकिन फिर भी वो अलग है, बिल्कुल कंटिन्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो एक जो छोटा सा गैप जो डेवलप होता है ना, दैट इज नोन एज, मतलब उसको पकड़ के रखने के लिए टाइट जंक्शन हो गया। यस सर। ओके, दिस मसल सेल्स कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फिलामेंट, बिकॉज it provides the light and light and dark band band, ठीक है, इसको बोलते हैं dark band और light band कहते हैं। This is all due to the actin and myosin filaments. लेकिन अब इसमें देखो, skeletal से थोड़ा सा smooth muscle में difference क्या है कि myosin is not arranged in thick filaments, ठीक है, although the basic mechanism of contraction smooth muscle will be found to be similar of that of skeletal muscle. Skeletal muscle के जैसे ही smooth muscle भी contraction में एक जैसे ही दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी जो myosin filaments हैं, that is the thick filaments or also known as the dark band, वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे कि skeletal muscle में, थोड़े से उससे हट के, ठीक है। Yes sir. ये इनका this is the basic structure. देख सकते हो यहाँ, जैसे कोई भी एक स्पेसिफिक सेल है, ठीक है। अब ये जब रिलैक्स होती है तो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट जो होती है वो उसको खींचती है अपनी तरफ, और सेल्स देखो न्यूक्लियस बिल्कुल वही है, लेकिन जो मसल फाइबर है वो थोड़ी इलोंगेट हो जाती है, कॉन्ट्रेक्शन जब होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। So basically, these type of muscles are present in the visceral organs, ठीक है, या फिर आई में कह सकते हो। Small intestine. तो smooth muscle cells जो है सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट दो तरह की होती है। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल्स आर कनेक्टेड बाई गैप जंक्शन, दैट इज द टाइट मसल्स, देख रहे हो यहाँ पर, देख सकते हैं, एंड द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट। मतलब जो एक दूसरे से मिला हुआ है ना सेल्स, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक गैप जंक्शन से जुड़ा हुआ है और वो कंप्लीट करके एक सिंगल यूनिट कहलाता है। इसमें देख सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर भी दिख रहा है, रिसेप्टर्स भी दिख रहे हैं ना, गैप जंक्शन भी यहाँ दिख रहे हैं, ऑटोमेटिक न्यूरॉन वेलोसिटी भी है, ठीक है, नर्वस का नर्वस सिस्टम का अपना एक चैनल है। इसके साथ जब आई की बात करते हैं तो आई कंटेंस मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स एंड दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकली लिंक्ड एंड ईच सेल मस्ट बी स्टिमुलेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। दोनों स्मूथ मसल ही है, ये तो एक साथ पूरा का पूरा जब भी एक्ट करता है, लेकिन इसलिए इसको सिंगल यूनिट कहा गया, लेकिन ये मल्टी यूनिट इसलिए कहा गया कि देख सकते हो कि ये जो ऑटोनोमिक न्यूरॉन वेलोसिटी है ये इनसे अलग है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जुड़ते हैं और सप्लाई करते हैं ट्रांसमिशन, लेकिन आई की कंडीशन में क्या है, ये जो वेलोसिटी जो है मतलब न्यूरोट्रांसमिशन की जो चैनल है वो बिल्कुल बीचों बीच गई हुई है, ठीक है। तो कहीं पर जैसे देखो एक साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल ही अलग है ना, तो ये क्या करता है, मल्टी यूनिट शो करता है, और जब एक्शन में आता है तो कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन जो होता है वो थोड़ा सा उसका टाइमिंग चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। एक बार यहाँ एक्ट करेगी, जब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ जाएगी फिर जाके इसको, ठीक है, इसको कांटेक्ट करेगी तो लेस करेगी। दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, दैट इज अ सिंगल यूनिट एंड अनदर इज अ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल। ये पिक्चर क्लियर है? यस सर। हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। यस सर। तो दिस इज द बेसिक थिंग फॉर स्मूथ मसल। कार्डियक मसल की बात थोड़ी सी कर लें, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन बाद में देखेंगे ना। तो कार्डियक मसल दैट इज इनवॉलंटरी एंड स्टेटिक, स्टेशंस रहती है लेकिन ये भी इनवॉलंटरी है। तो कह सकते हो दीज मसल्स कैरेक्टराइज बाय फाइबर्स विद विजिबल स्टेशंस। कार्डियक मसल में विजिबल स्टेशंस को आप देख सकते हो, ठीक है। दे कॉन्ट्रैक्ट इंट्रिंसिकली एंड इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि हार्ट का पंप होना बहुत ही जरूरी है,
ठीक, ये इंट्रिंसिकली अंदर से ही कंट्रोल होती है, दैट इज द पेसमेकर सेल्स जो इलेक्ट्रिक एक स्टिमुलस देती है और जिसके कारण एक पेस बनती है और वो पूरे हार्ट को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, सो दीज मसल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू हार्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन फॉर सर्कुलेशन ऑफ। सो इसकी रिक्वायरमेंट किस लिए है? हार्ट को बीट कराने, मतलब हार्ट बीट करने का सेंस क्या है? जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जो हार्ट में आती है, दैट शुड हैव टू प्योर, हाँ, और इट इज प्योर, और यू कैन से द फिल्ट्रेशन ऑफ दिस इम्प्योर ब्लड टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड देन अगेन द प्योर ब्लड विल कम टू द हार्ट एंड सप्लाइज टू वेरियस पार्ट ऑफ द एनिमल्स बॉडी। ठीक, तो ये ब्लड के मूवमेंट के लिए ये इंट्रिंसिक ये दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है, सो दिस थिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट द हार्ट विल प्ले इट्स रोल। अच्छा, इसके साथ साथ ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स में this is present in the plenty. Mean to say, the cardiac muscle property is also present in the blood and lymphatic vessels. Lymphatic vessel. अब yes sir. Skeletal muscle की थोड़ी बात करें, that is voluntary and striated. Striated. The visceral skeletal muscles tissues are grouped into distinct organs of variable size called muscles. Muscles. Mean to say, the skeletal muscle having the striations and they are voluntary in nature. I mean to say they are connected, interconnected. Huh? They are interconnected, yes, and the different filaments like actin and myosin filaments can be seen visibly or under the microscope. So they are attached to the bones of the skeleton under voluntary control. Okay. Yes, sir. These are attached with the bones because they can help in the movement of the bone. ठीक है? Yes. So the interior of the fiber is packed with elongated protein strands, that is myofibrils. Myofibril. And filling the clefts and spaces between these strands. मतलब जो fiber का internal part है, that is known as myofibrils. क्यों? क्योंकि देखेंगे muscles fiber की भी classification हम लोग करेंगे ना। तीन टाइप्स है मायोफाइब्रिल्स, क्या है मतलब द फाइबर्स ऑफ द फाइबर्स, है ना, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल मसल फाइबर और सर मायोफिलामेंट्स इसका फाइबर्स ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, बिल्कुल से एक दूसरे को पैक कर देता है ना, एक सेल से दूसरे सेल्स को फाइबर्स को पैक कराता है और कंबाइन करके बनाती है स्केलेटल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें है, इट इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसोसिएटेड ट्यूबुलर इन्वेजिनेशंस ऑफ सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ट्रांसवर्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स। ये टी ट्यूब्यूल्स ही है जो कि एक तरह से स्टिमुलस प्रोड्यूस कराता है सो दैट द स्मूथ मसल और एनी मसल फाइबर कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड इन रिलैक्स एनी डायरेक्शन कह सकते हो। ठीक है, मसल फाइबर न कि सिर्फ आगे पीछे खींचती है, ऊपर और नीचे भी खींच सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें गोल्जी एपरेटस होती है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास एज वेल एज ग्लाइकोजन एंड फैट इंक्लूजंस आर आल्सो फाउंड इन मसल फाइबर्स। ठीक है, सो इट हैज मल्टीन्यूक्लियेटेड सेल मेड अप ऑफ न्यूमरस मसल रेंजेस 10 and 100 microns in length. ठीक है, it has multinucleated cell, मतलब एक सेल में काफी न्यूक्लियस हो सकती है, है ना? और numerous muscle fibers के ये बने हुए हैं, that is the diameter it ranges between 10 and 100 microns, में 10 से 100 microns के भी है। तो न्यूक्लियस होने का मतलब क्या है कि जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं, कोडोन्स हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द
न्यूक्लियस। तो ये फर्दर हेल्प करते हैं मसल को जनरेशन और रीजनरेशन के लिए। मतलब अगर मसल किसी कारण से टूट जाता है तो उसको रीजनरेट हो, इस कारण से उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन जो भी चीज, which is the things, organelles, cell organelles which are required for the production of muscles. Muscles. तब energy दे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनकी regular होती है ना? Yes sir. कहीं ना कहीं मतलब सकता external injury हो या internal injury हो जिसे कर muscle fibers मतलब break कर सकते हैं, है ना? तो उसको रीजेनरेट करते रहे और अपने काम में लग रहे, ठीक। इस कारण से ये सारी चीजें में बहुत सारा दिया हुआ। अब जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्केलेटल मसल की, तो देखो ये मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन बंडल्स, है ना, सराउंडेड बाय द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन इंडिविजुअल मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज एंडोमाइशियम। मतलब हर एक मसल फाइबर के बीच एक कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है जो कि उसको एक तरह से होल्ड कर रखता है, दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। और द शीट सराउंडिंग बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स आर कॉल्ड पेरिमाइसियम। मतलब एक स्पेसिफिक मतलब ग्रुप ऑफ बंडल्स है, एक से दूसरे बंडल के बीच में, मसल फाइबर के बीच में क्या है, एंडोमाइसियम है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स है तो उसको सराउंड किया हुआ है पेरिमाइसियम, एक चैनल माइसियम। और कनेक्टिव टिश्यू अराउंड एन एंटायर मसल, और एक कंप्लीट जो मसल है उसके ऊपर जो एक कनेक्टिव टिश्यू दिया हुआ है दैट इज द एपिमाइसियम। मतलब जो आउटर मोस्ट इज द एपिमाइसियम, इन द इंटरमीडिएट पेरिमाइसियम इज अवेलेबल देन द और इनर मोस्ट एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू व्हिच सेपरेट्स टू मसल फाइबर दैट इज नोन एज एंडोमाइसियम। ठीक है, याद रखना है। यस सर। यस सर। मसल फाइबर कंटेन्स सेवरल हंड्रेड मायोफाइबर्स व्हिच कंसिस्ट 150, ठीक है, 150, चलो 1500 एंड टू टाइम्स मोर एक्टिन फिलामेंट्स। यस सर। 1500 मायोसिन फिलामेंट है तो उसमें ऑलमोस्ट 4500 के आसपास एक्टिन फिलामेंट्स। यस सर। ठीक है, 4500 तक हो जाती है। So these are polymerized protein molecules which are responsible for the contraction of muscle contraction. ठीक है, मतलब जो contraction या relaxation होती है mostly that is due to the filaments myosin or actin. अब हम बात करें thick filaments की, तो that is a myosin. Myosin filament. जब thick filament की बात करते हैं तो that are the actin filaments. Actin filament. ठीक है. Yes sir. These filaments interdigitate and thus the myofibril have alternate light and dark bands. Dark band. This is not band, this is the band. So, jo filament hoti hai isme light or dark band. Dark band. Aur ye kya hota hai, interdigitate hoti hai, matlab ek ke baad ek. Ek light band fir aage dikhayenge. Dark band. Sarcomere ka jo photo dekhoge na usme dikhegi. मतलब चैनल होती है लाइट की और डार्क की, और जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों एक दूसरे में मतलब बिल्कुल एक साथ मिल जाता है। ठीक है, लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क इस टाइप से चैनल हो जाता है। तो द लाइट बैंड्स कंटेन ओनली एक्टिन फिलामेंट्स दैट इज आल्सो नोन एज आई बैंड और आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मींस इट इज आइसोट्रॉपिक टू पोलराइज्ड लाइट। और द डार्क बैंड कंटेन्स द मायोसिन फिलामेंट्स as well as the end of actin filaments where they overlap the myosin that are known as A band, because they are an isotropic to polarized light. ठीक है, yes, sir. Actin filaments I bands only that is isotropic to polarized light, whereas myosin filaments are A bands which are an isotropic to polarized light. ठीक है, so the combination of an A and I band is called a sarcomere. ठीक
मतलब एक एक्टिव फिलामेंट एक सार्कोमेयर में दूसरे सार्कोमेयर से जो अटैच होती है दैट इज अ जेड लाइन, बीच में जो लाइन होती है दैट इज अ जेड लाइन. सो इट पासेस फ्रॉम वन मायोफाइबल टू अनदर दस अटैचिंग देम टू ईच अदर एंड क्रॉसिंग द रिस्पेक्टिव सार्कोमेयर्स. ठीक है, एक सार्कोमेयर को दूसरे सार्कोमेयर से बना के रखती है. ये पिक्चर देख लो, ये तुम्हारे जो बीचों बीच ये जो ब्लैक वाले है ना दैट इज ये हो गई ए बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक. ठीक है, ए बैंड में यहाँ लिखा हुआ है ना, ए बैंड यहाँ से yes, sir. ये ब्लैक वाली पूरी ए बैंड है, ये आई बैंड हो गई मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट. ठीक है, दैट इज द एक्टिन फिलामेंट. अब जब हम यहां से होल जब पूरे ये जेड लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ सार्कोमेयर. तो वन सार्कोमेयर जो होती है ये कंसिस्ट ऑफ आई बैंड ए बैंड. ठीक है, तो अब ये है जो रिलैक्स फॉर्म है और ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसलिए इवन दो पिक्चर है तो दोनों एक साथ शो किया गया है कि यू कैन डिफरेंशिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमेयर. ठीक है, तो यहाँ पर ये रिलैक्स फॉर्म में क्या है, बिल्कुल बीच में बीच देख रहे हो ये एम लाइन है, दिस इज द मिडिल लाइन. ठीक है, मिडिल यस सर, एंड जॉइंस द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. मायोसिन तो रिलैक्स फॉर्म में अलग अलग होती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, जो आई बैंड की पोजिशनिंग देख लो ये छोटी हो जाती है, बिकॉज ये यहाँ से है ना और इसमें देखो यहाँ से जा रही है, मतलब दैट विल मिक्स द कॉन्ट्रैक्शन मायोसिन फिलामेंट्स. ठीक है, और थोड़ी सी जगह छोड़ देता है एम लाइन के लिए, तो ये यही बोल रहे हैं क्लब हो जाता है ऊपर आई बैंड फिर ए बैंड फिर आई बैंड फिर ए बैंड. ठीक है, इस टाइप से ये फिलामेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ऐसी हो जाती है. ठीक है, यस सर. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर.